बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड मिल्क शेक। आप इसको हॉट भी बना सकते हैं, कोल्ड भी। तो आज मैं हॉट मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ, कस्टर्ड मिल्क शेक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ही मैंने आधा कप दूध ले लिया है। आधे कप दूध में दो के इसको इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। तो गर्म दूध में नहीं मिलाएंगे, नहीं तो इसमें गुलठिया बच जाएगी। कस्टर्ड पाउडर हमारा इसमें घुल चुका है। तो आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे इलायची का। आधा चम्मच मैंने इलायची डाल दी है इसी में। इलायची को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हमने यहाँ दूध रख दिया है। लगभग दो कप हमारा दूध है इस पर। तो उबलते हुए दूध में, ये देखिए उबलता हुआ दूध है, उबलते हुए दूध में फ्रेंड्स, उबलते हुए दूध में हम इसको मिल्क डाल देंगे। इसको करछी से चलाना है किसी चीज़, तो अगर चलाएंगे नहीं तो इसमें गांठे बन जाएंगी, तो हमें इसे चलाते रहना है। तो दूध में इसको हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें 2 चम्मच चीनी का डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिल्क शेक हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 3 मिनट लगभग हो चुका है, तो ये हमारा पक्के तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये काजू पिस्ता और बादाम है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देंगे ऊपर से इसी के साथ ही, और बाकी हम गार्निश पे डालेंगे। जब हम इसको सर्व करेंगे तब डालेंगे, उस समय के लिए। तो इसको हम अब ठंडा होने देते हैं। तो गैस हमने बंद कर लिया है, अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो इसको ठंडा होके हम इसे सर्व करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे हम इलायची पाउडर, काजू किशमिश, बादाम। कस्टर्ड मिल्क शेक आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।